वालेकुम दोस्तों मैं सीमा अशरफ़ी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास है और आपको मैं एक बार बता दूँ कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ मैं इसके पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं नागपुर से हूँ और इस नागपुर को कहा जाता है ताज वाले की नगरी ताज नगरी भी नागपुर को कहा जाता है तो मैं आपको बता दूँ आज का दिन और आज का व्लॉग क्यों ख़ास है क्योंकि आज का दिन है क्योंकि आज का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पर नागपुर में ताजुद्दीन अलिया का सौ साल का उर्स मनाया जा रहा है तो चलिए मेरे साथ ताजबाग शरीफ तो हम आ गए हैं ताजबाग शरीफ सवेरे का टाइम है ये और यहाँ पे परचम होता है सुबह बहुत जल्दी फजर के टाइम से मुजमिल और उनके पापा दोनों भी आ चुके थे और हम थोड़ा लेट आए हैं तो परचम देखिए इस तरीके से यहाँ परचम होता है पहले फजर की नमाज़ होती है और उसके बाद यहाँ परचम की तैयारी होती है बहुत सवेरे सवेरे यहाँ परचम कुशाई होती है परचम लहराया जाता है ताज वाले के दरबार के आसपास ये फूलों की दुकानें होती है जहाँ से फूल लेकर चादरें फूलों की चादरें वग़ैरह लेके हम दरबार शरीफ में पेश करते हैं ये हम अपनी खुशी से करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सारे इंतज़ाम भी है पुलिस फोर्स भी है और बहुत अच्छे से सारे इंतज़ाम किए हुए हैं तो दरबार शरीफ में सारे अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से किए हुए हैं यहाँ पर जो साउंड सिस्टम है वो है मेरे ही हसबैंड का अशरफी साउंड सिस्टम है जो कि यहाँ नागपुर में काफ़ी फेमस है और डेकोरेशन यहाँ पे लगाया गया है शाम डेकोरेशन शाह तो सरकार ताजुद्दीन ओलिया को चाहने वाले नागपुर में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यारत के लिए तो इस तरह से ज़ायरीन का तांता लगा हुआ होता है यहाँ पर तो हिंदुस्तान से तो लोग आते ही है चाहने वाले मगर हिंदुस्तान के बाहर से दूसरे मुल्कों से भी यहाँ चाहने वाले ताजुल सरकार को चाहने वाले लोग आते हैं दरबार शरीफ़ के ऑफ़िस में जहां हम मिलेंगे यहां के चेयरमैन से तो यहां के चेयरमैन जो है उनका नाम है जनाब प्यारे ख़ान साहब तो प्यारे ख़ान साहब से मुजम्मिल खास करके मुलाकात के लिए गए अपने पापा के साथ ख़ास कर मेरे व्लॉग में इनका वीडियो लेने के लिए तो आप देख सकते हैं इस तरह से इनका ऑफ़िस है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इन्होंने दरबार के सारे अरेंजमेंट किए हैं सिस्टमेटिक तरीके से और उसके सारे इंतज़ाम किए हुए हैं तो इस तरह से हमने प्यारे ख़ान साहब से भी मुलाकात कर ली है और मुजम्मिल ने प्यारे खान साहब के साथ अपनी फ़ोटो भी क्लिक करवाई है तो आप देख सकते हैं मुजम्मिल की फ़ोटो भी इसमें आ गई है और आगे हम चलते हैं आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से यहाँ के सारे इंतज़ाम किए गए हैं तो दरबार शरीफ में लंगर खाना है जहाँ पे हर अदना आला अमीर गरीब छोटे बड़े सारे आकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं तो देखिए सारो सारे तरफ जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई है सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे से किए गए हैं तो आप देख सकते हैं आगे मैं आपको दिखाती हूँ